हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो कि एक आपका बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है। ये अपडेट्स है आपका ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ठीक है, की तरफ से है। ये आपका स्टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। गाइडलाइन इंट्रोडक्शन है और स्कीम है एग्जामिनेशन, उसके बारे में आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है सब कुछ दिया हुआ है। फ़ी कब आपका कितना है, फ़ी आपका जो है वो कितना लगेगा। फ़ी जो है आपका वही लगेगा एससी और पीएच कैंडिडेट के लिए, एक पेपर के लिए 500 रुपीज़, दो पेपर्स के लिए 900 रुपीज़, और तीन लेवल के लिए, मैंने तीन लेयर पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, TGT, PGT और PRT, TGT और PGT, तीनों दीजिएगा। तो इतना फॉर ऑल कैंडिडेट स्पेक्स SC ST, ठीक है, मतलब ऑल कैंडिडेट। तो अगर आप एक मतलब बाहर के कैंडिडेट हैं तो मतलब अनरिजर्व वाले कैटेगरी का, एक पेपर के लिए आपको 1000, दो पेपर के लिए आपको 1800 और तीन पेपर के लिए आपको 2400 देना पड़ेगा। और नन हरियाणा मतलब जो भी है आपका नन मतलब हरियाणा के बाहर से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक पेपर के लिए 1000 और दो पेपर के लिए 1800 और तीन पेपर के लिए आपको वो 2400 आपको पे करना होगा, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो आपका फॉर्म फिलअप होगा वो 4 से आपका स्टार्ट होगा, लास्ट आप भर सकते हैं 14 नवंबर तक, ठीक है। और करेक्शन विंडो जो है आपका मतलब जब जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका करेक्शन विंडो जो है आपका 15 को ओपन होगा और 17 तक रहेगा, कुछ गलत हो जाएगा तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आपका गाइडलाइंस है, क्या है आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, वो है आपका कि कैंडिडेट आर, यहाँ देखिए क्या आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। यहाँ पर आपको बोला है कैंडिडेट आर एडवाइज टू द गो थ्रू द गाइडलाइंस, आपको पढ़ लेना इसको अच्छे से बुलेटिन्स को, ठीक है। उसके बाद दे आर ऑल्सो रीड द केयरफुली एंड फॉलो द इंट्रोडक्शन रिमाइंड टू द फी, फी का क्या कैसे करना है वो देख लीजिएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई थ्रू द सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक लेवल पर आपको जो है थ्रू सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर वन लेवल और मल्टीपल लेवल, वहीं पर आपको देखना होगा, वहीं पर शायद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दो के लिए, तीन पेपर के लिए, ठीक है। तो वहीं पर आप तो अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट में भी हैव करेक्शन इन देयर पार्टिकुलर फोटो सिग्नेचर थम्स इंप्रेशन लेवल कास्ट कैटेगरी फिजिकल चैलेंजेस, देखिए ये सब आप देख सकते हैं, आपका करेक्शन कर सकते हैं फोटो में, सिग्नेचर में, थम में, इंप्रेशन में, लेबल में, कास्ट कैटेगरी में, फिजिकल चैलेंज में, होम स्टेट विथ इन द गिवन स्पेसिफाइड टाइम ओनली, मतलब जो दिया है और जो आपको बताया जाएगा जब आपका क्या आएगा ये एडमिट कार्ड आएगा, तब आपको जो है वो बताया जाएगा कि कब आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। फिर यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर कुछ करके बता सकते हैं, ईमेल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सब आपको क्राइटेरिया भाई आपको सब दिया है इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। PDF को ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, ठीक है। ये सब दिया है आपका कौन कौन सा बोर्ड है, क्या है, किसका क्या है, स्टेट का क्या है, किसको क्या मिलेगा। तो टेट में सब कोई अप्लाई कर सकता है, अगर आप हरियाणा के बाहर के भी हैं तो आप भी जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट सब टेट ये सब दिया है, रूल रेगुलेशन आपको दिया है, एलिजिबिलिटी आपको दिया हुआ है, 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टेट में अपीयर करना होगा, आपको जो है वो 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेजुएट हो टीचर होना चाहिए, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको आना चाहिए। PGT के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है वो ये सब मिनिमम क्राइटेरिया जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सब ये सब आपको दिया हुआ, लेवल 1 में आपको जो है वो क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। लेवल 2 की जब बात की जाए तो लेवल 2 TGT का देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है, मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में करने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा किस क्राइटेरिया में कौन से आप में बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर देखिए सब कैटेगरी वाइज दिया हुआ होता है, TGT में क्या होता है, जैसे आप KVS का ले लीजिए एग्जाम्पल, आप NBS का KVS का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप NBS का एग्जाम्पल ले लीजिए, और आप ले लीजिए ये सेंट्रल या फिर कहीं पर और भी होता है। TGT में सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, वहाँ पर बहुत काफ़ी मतलब लफड़ा हो जाता है, तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं TGT साइंस के लिए, TGT मैथमेटिक्स के लिए, जो भी है आपका जो भी सब्जेक्ट, तो आप अपना जो है क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कि क्या कैसे क्वालिफिकेशन है। देखिए TGT इंग्लिश का दिया है, TGT हिंदी का दिया है, TGT संस्कृत का दिया है, TGT पंजाबी, TGT उर्दू, ठीक है, इसका आपको दिया है।
TGT उर्दू दिया है, TGT फिजिकल एजुकेशन दिया है, TGT होम साइंस दिया है, TGT आर्ट दिया है, TGT म्यूजिक दिया है, ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए भी आपको दिया हुआ है, PGT के लिए, ये किसके किसके लिए है, ये है आपका इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, जियोग्राफी के लिए, होम साइंस के लिए, साइकोलॉजी के लिए, पंजाबी के लिए, उर्दू के लिए, हिस्ट्री के लिए, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनिमम क्राइटेरिया दिया है आपको PGT बायोलॉजी के लिए, PGT फिजिक्स के लिए, PGT मैथ के लिए, PGT कॉमर्स के लिए, PGT इकोनॉमिक्स के लिए, PGT म्यूजिक के लिए, PGT फाइन आर्ट्स के लिए, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, ये सब आपको जो है रूल रेगुलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ, देखिए सिलेबस भी आपको दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस आपका रहेगा, PRT के लिए कितना कितना रहेगा, जैसे 40-30 मार्क्स का रहेगा, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आपका रहेगा, जनरल स्टडी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हरियाणा GK रहेगा, ये सब आप देख लीजिएगा, मैथमेटिकल इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया नेचर स्टैंडर्ड होगा, ये सब हिंदी मीडियम दोनों में होगा, दोनों इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा वो आपका किसके लिए, 60% आपका जो है वो होगा क्वालिफाइंग मार्क्स, 55% के लिए आपका शेड्यूल कास्ट के लिए होगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता, आपको भी पता है कि टेट एग्जाम में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। लेवल 2 के लिए आपको दिया हुआ है CDP रहेगा 30 नंबर का, हिंदी रहेगा, ये जनरल स्टडीज रहेगा, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेचर ये सब दिया हुआ है आपको प्रॉपर वे में, क्वालिफाइंग इसमें भी 60% पर रहेगा और ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। फिर ये आपका PGT के लिए आपको दिया हुआ है, ये आप इसमें देख लीजिएगा कि PGT में आपका कितना है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। नेचर आपका क्वेश्चन क्या कैसे रहेगा वो सब आपको दिया हुआ है, और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपका रहेगा लेवल 1, 2, 3 के लिए रहेगा, एज पर एडमिट कार्ड 150 मिनट्स के लिए रहेगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ द एज स्टेट नंबर वैलिडिटी सर्टिफिकेट सब आपका जो है वो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर एग्जामिनेशन से ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको सब देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, समझे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका, तो एग्जामिनेशन कल में पेपर पेन बेस्ड होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा, स्पीड पोस्ट से नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट सब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर जो रखना है, फोटो वोटो जो आप अपलोड कीजिएगा उसके बारे में सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सब कुछ जो है आपको दिया हुआ है, OM मार्कशीट के बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो गाइडलाइन है आपको इस वेबसाइट पर आपको मिलते रहेगा, ठीक है, ये वाला वेबसाइट पर। कुछ आपको प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, साथ ही हेल्प डेस्क नंबर आपको बिहार सेक्रेटरी के पास कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है, सब चीज़ का यहाँ पर सिलेबस बहुत अच्छे से सब दिया हुआ है, तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं, एक सिलेबस दे देता है तो बहुत अच्छे से इजीली वे में आपका सब कुछ किया जाता है, हो जाता है रेडी, सब दिया है फ्रेंड्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में दिया है आपको, बायोलॉजी में क्या दिया है सब कुछ दिया है, फिजिकल एजुकेशन में, सब कुछ का सिलेबस आपको दिया हुआ है। आप जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस आप इस PDF के हेल्प से देख लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स ये सब कुछ का सिलेबस दिया है, सिलेबस अगर एग्जाम में आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छे हो जाए, जैसे कि आप DSSSC का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर आपको सिलेबस सही ढंग से मिलता है नहीं, तो वहाँ पर उसको करने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स, बहुत ही प्रॉपर वे में दिया हुआ है, तो आप इस PDF को अच्छे से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको काफ़ी जो है वो क्या हो जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर PGT के लिए आपको दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, ये सब दिया है। OMR sheet में आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको दिया है, ठीक है, ये हुआ है। तो ये आपका था, और शायद मेरे को वो एग्ज़ाम वाला डेट का जो मेरे को नंबर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, ठीक है। एक एग्ज़ाम भी शायद मेरे को, मैंने कहीं देखा था कि दिसंबर में ही है, तो मैं देखता हूँ इंट्रोडक्शन में कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन, इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ, जनरल वाला, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें आप फ्रेंड्स देख लीजिएगा, मेरे को पेज नंबर नहीं दिख रहा है इसका। एग्जाम शायद आपका जो है आपका
वो आपका दिसंबर में ही है, मैंने कहीं कोई मतलब यूट्यूब चैनल पर देखा था, तो एक बार मेरे को देखने दीजिए तो मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है ठीक है, लेकिन आपको एक बार PDF भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बाकी सब कुछ आप देख लीजिएगा। मैं अगर एक एक पॉइंट को करूँ कि आपका TGT के लिए इतना ये क्वालिफिकेशन है, PGT के लिए आपका ये क्वालिफिकेशन है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और जो भी आपका होगा उसको कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर जो भी अपडेट्स होता है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।